बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया। ऐसे में सभी दल के नेता जी जान से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। हर चुनावी सभा में भीड़ बेलगाम, न तो मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। न ही किसी भी चुनावी सभा में कोरोना से जुड़ी गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए देखा जा रहा। लेकिन इन सबके बीच केंद्रीय समिति ने बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल रविवार को केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में चुनाव से असामान्य रूप से कोरोना बढ़ सकता है। इस समिति में IIT हैदराबाद और IIT कानपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में चुनाव और बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मरीज असामान्य रूप से बढ़ सकते हैं। हालांकि सर्दी खत्म होते ही संक्रमण कम होगा। समिति का अनुमान है कि फरवरी में महामारी नगण्य स्तर पर पहुंच जाएगी। तब तक देश में 1.06 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके होंगे। वहीं पटना की बात करें तो पटना में फिर से कोरोना का ग्राफ चढ़ने लगा। बीते दिनों पटना में 316 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। नए संक्रमितों के मिलने के बाद ही पटना में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,610 हो गई है।